बच्चा बड़ा प्यारा है, क्या नाम है इसका? रोहित। आप कहाँ जा रही हैं? बेलापुर। अच्छा, आप बेलापुर में रहती हैं? जी नहीं, मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं समझ गई, माफ करना बहन, सुख दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं। आप बेलापुर में कहाँ जाएंगी? बेलापुर से 5-6 किलोमीटर दूर गीता देवी का महिला आश्रम है, वहाँ। हाँ हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं। मैं बेलापुर से थोड़ी सी आगे रहती हूँ, मैं 1-2 हफ्ते के लिए मायके गई थी। Excuse me? हाँ? गीता महिला आश्रम कहाँ है? हाँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस छोटे स्टेशन से इस वक्त कोई सवारी नहीं मिलेगी। ओह, तो आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो अंदर ऑफिस में आराम कर सकती हैं। जी नहीं, मैं यहीं वेट करूंगी। थैंक यू। जैसी आपकी इच्छा। क्या करेंगे मम्मी? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? गीताश्रम। बाहर कोई टैक्सी मिलेगी? टैक्सी तो नहीं है, मेरा टांगा है, चलेंगी? मैं छोड़ दूंगा। तुम जानते हो कि गीताश्रम कहाँ है? हाँ, रात बेरात सवारियां लेकर जाता रहता हूँ। अच्छा, किराया कितना? मैं वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाता, दिन हो या रात, मेरा तो बंधा किराया है 50 रुपया। ठीक है, तो चलिए। बैठ जाइए। बस थोड़ी ही दूर है। आ, 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 आ,
क्या रहा है ये? क्या हुआ? पता नहीं, घोड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। जबरदस्ती करूंगा तो भी दक जाएगा, बेकाबू भी हो सकता है। अब आगे आपको पैदल ही जाना होगा। लेकिन इतनी भयानक और अंधेरी रात में? नहीं नहीं, आश्रम बिल्कुल सामने है। वो देखो, वो रहा। अच्छा, ये लो आपके पैसे। मेरा नाम छाया मलिक है। मुझे इस आश्रम के इंचार्ज की हैसियत से बुलाया गया है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। पर आप यहाँ आई कैसे? हाँ? आपने शायद आश्रम को अपने आने की खबर नहीं दी, वरना आपको गाड़ी लेने चली आती। खैर कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। वो देखिए, वो रहा सामने ऑफिस, जाइए आप। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। नमस्ते, मेरा नाम छाया मलिक है। मुझे गीता जी से मिलना है। गीता देवी से? मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। हाँ, ये लेटर तो मैंने ही पोस्ट करवाया था। गीता जी, अब मैं आपसे कैसे कहूं? वो दिन हमारे आश्रम के लिए बड़ा ही मनहूस दिन था, जिस दिन हम सब के दुर्भाग्य से गीता देवी हमें छोड़कर चली गई। क्या? हाँ बहन, आज 12 दिन हो गए उनकी मृत्यु को। लेकिन ये सब हुआ कैसे? होनी को कौन टाल सकता है। कल उनकी 13वीं है। उनके पति हरिद्वार से लौट रहे हैं उनकी अस्थियां लेकर। देखिए बहन जी, अब इस छोटे बच्चे के साथ मैं इतनी रात को कहां जाऊंगी? आप आज की रात हमें यहीं ठहरने दीजिए, हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। अरे आप ये क्या कह रही हैं जी? अब जब नौकरी देने वाली ही नहीं रही तो नौकरी नौकरी देने वाली भले ही ना रही हो, लेकिन उन्होंने जिसे अपॉइंट किया है इंचार्ज तो उसी को बनना है। उनका फैसला टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर रहोगी। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। थैंक यू। चलो। सब कुछ तुम्हारा है। इस कमरे को गीता बहन की इच्छा के अनुसार ही सजाया गया था। वो जानती थी तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी यहाँ आने वाला है। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं,
मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। कितनी महान थी गीता जी, दूसरों की जरूरतों का कितना ख्याल था उन्हें। मैं कितनी बदनसीब हूं जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहां पर बाजू वाले कमरे में रहती थी। उनकी ये इच्छा थी कि तुम और तुम्हारा बच्चा उन्हीं की निगरानी में रहे। काश ऐसा होता। खैर, ईश्वर की इच्छा। तुम आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। जी, वैसे तो इस दुनिया में सदा रहने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन जिस तरह आप इस दुनिया से चली गई, वैसे कोई जाता भी तो नहीं है। मुझे आपके साथ मेरी पहली मुलाकात अच्छी तरह याद है। आपका वो रह रहकर मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है। पता नहीं अब इन हालात में मैं यहां रह पाऊंगी या नहीं। के आश्रम को तुम्हारी जरूरत है। अभी अभी मैंने जो आवाज सुनी, ये मेरे मन की आवाज है। शायद मेरा मन भी यही कहता है। गीता जी, मैं यही रहूंगी, यहां से कभी नहीं जाऊंगी। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। बहन, वो आपने कहा था ना कि गीता जी का कमरा मेरे कमरे के साथ ही है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम्हारी मर्जी जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम यहीं पर रहना चाहती हो। इस आश्रम को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। सच, इस आश्रम को तुम्हारे जैसे ही मजबूत इरादों वाले इंसान की जरूरत है। गीता बहन ने तुम्हारा चुनाव करके बहुत ही सही फैसला किया था। लो, अब से तुम इन वस्त्रों का परिधान करोगी। ठीक है, जाओ आराम करो। शांति। चाय बहन, आप इस आश्रम के परिधान में बहुत सुंदर लग रही हैं। चलें? कहाँ चलना है? भाई सेवानंद आज हरिद्वार से लौट कर आ रहे हैं। भाई सेवानंद? हाँ, गीता देवी को गीता बहन और उनके पति को भाई सेवानंद कहते आश्रम के सारे लोग। आपको भी उन्हें भाई सेवानंद करके ही कहना होगा। ठीक है, चले। जी। hmm.
नमस्कार भाई सेवानंद। नमस्कार, ये लीजिए गंगा जल। भाई सेवानंद, अब इस आश्रम को चलाने के लिए एक नई इंचार्ज आई है। आप इस कलश को उन्हीं के हाथ में सौंप दीजिए। छाया बहन इस आश्रम की नई इंचार्ज। जल का कलश ले लो। लीजिए। और अब चलो, हमें तेरवी की क्रिया पूरी करनी है। चलिए। ओम शांति, ओम शांति। आश्रमवासियों, कहने को तो आज क्रिया का अंतिम दिन है, पर मैं ये मानता हूं कि आज उस महान कार्य की शुरुआत का दिन है जिसे स्वर्गीय गीता देवी अधूरा छोड़कर चली गई। कहने को तो गीता देवी हम सब की आंखों से ओझल हो गई, फिर भी वो है। गीता देवी ने दीन दुखियों की सेवा का जो पीड़ा उठाया था, ये गीताश्रम उसी का जीता जागता उदाहरण है। गीता देवी यहां के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। गीता देवी हम सब की आंखों में है, हम सब के दिलों में है। अगर हम गीता को सच्चे दिल से चाहते हैं तो उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उसके द्वारा शुरू की गई सेवाओं को उसी की इच्छा अनुसार चलाते रहें। यह आश्रम गीता की संतान है, इसी आश्रम में कहीं उसकी आत्मा बसती है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान गीता की आत्मा को शांति दे। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति। अरे बिना किसी शोर शराबे के मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं देखो, अगर तुम शोर मचाओगी तो इसका नुकसान तुम्हें ही होगा, और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा। बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो जी मैं आए कहना, जो जी मैं आए करना। हाँ?
मेरा बच्चा। रुक जाओ, मत छुए इसे, इसे छूने का अधिकार तुमने खो दिया है। क्यों? ये मेरा भी तो बेटा है। ये कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? उन हालात में अपनी बीवी को छोड़ के गए जिनमें उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या दोष था मेरा? हाँ, क्या दोष था मेरा? ये कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए अपना घर बार, अपने माँ बाप सबको त्याग दिया, यही दोष था मेरा? बैंगलोर जाने का बहाना करके घर से यूं निकल गए तो कभी घर लौट कर आए नहीं। किसके किसके भरोसे छोड़ के गए थे मुझे? तुम्हारी सारी शिकायतें वाजिब है छाया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। गुनहगार, ये शब्द कहकर हर चीज से मुक्ति पा लेना चाहते हो तुम? हाँ, लेकिन तुमने इससे भी बड़ा एक और गुनाह किया है। एक बीवी के जिंदा रहते हुए दूसरी औरत से शादी की है तुमने, और वो भी उस औरत से जो इतनी महान थी। तुमने मुझे नहीं, उस नेक और शरीफ औरत को भी धोखा दिया है। तुम मेरे ही नहीं बल्कि कानून की नजर में भी गुनहगार हो, मुजरिम हो। सच, बिल्कुल सच। मैं कानून का भी मुजरिम हूं, तुम्हारा भी मुजरिम हूं, और गीता का भी मुजरिम हूं। बिल्कुल सच। पर छाया, मैं क्या करता? बचपन से पैसे की तंगी ने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया। जब तुम मेरी जिंदगी में आई और जब ये बच्चा हमारी जिंदगी में आने वाला था, तब मेरा जमीर, मेरी आत्मा मुझे रह रहकर कहती थी कि मैं तुम लोगों को वो खुशियां नहीं दे सकता जिसके तुम हकदार हो। हाँ, और इसलिए उस शहर में तुमने मुझे एक बच्चा देकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। वाह वाह रे तुम्हारा जमीर, वाह रे तुम्हारी आत्मा। मैं सचमुच शहर से यही सोच कर निकला था कि मैं इतना रुपया कमाऊंगा जिससे अपनी बीवी और बच्चे के लिए दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकूं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं एक भयानक हादसे का शिकार हो गया, एक ऐसा हादसा जो मेरी जान भी ले सकता था। ऐसे वक्त में गीता मुझे जख्मी हालत में सड़क से उठाकर आश्रम में ले आई। उसने मेरा इलाज किया, मेरी सेवा की। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। धीरे धीरे मेरी हालत संभलने लगी पर मेरी याददाश्त वापस नहीं आई। छाया, गीता ने मेरी बहुत सेवा की, इतनी सेवा कि उसकी सेवा के बोझ तले मैं दब सा गया। गीता से मेरा विवाह हो गया और मैं सुधीर मलिक से सेवानंद बन गया। सेवानंद, ये नाम मुझे कैसे मिला मैं खुद नहीं जानता। फिर अचानक एक दिन मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मैं गीता को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि गीता दिल की मरीज है। मैं लाख चाहते हुए यह नहीं बता सका उसे कि मैं सुधीर मलिक हूं, और ना ही यह बता सका कि मैं शादीशुदा हूं। छाया, मैं डरता था कि सच्चाई जानकर कहीं सदमे से गीता खत्म ना हो जाए। फिर मेरे सामने चुप रहने के सिवाय और हालात के आगे सर झुकाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। और इन 5 सालों में तुमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे किस हाल में हैं? वो जिंदा है या मर गए? छाया, मैं हालात के सुधरने का इंतजार कर रहा था पर तकदीर के हाथों बेबस हो गया।
छाया, छाया मुझे माफ कर दो, ये सब तकदीर का खेल है। तकदीर नहीं गीता को मुझसे मिलाया, तकदीर नहीं उसे मुझसे वापस छीन ली, तकदीर नहीं तुम्हें और मेरे बच्चे को यहां तक भेजा। किसी ने सच कहा है, तकदीर के हाथों इंसान बेबस हो जाता है। छाया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो अपराध मुझसे अनजाने में हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। छाया, मैंने बहुत दुख झेले, पाप तो मैंने किया है, अब उस पाप के प्रायश्चित की एक ही सूरत है, इस आश्रम की सेवा। छाया, तुम भी आश्रम की सेवा करने आई हो, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हम दोनों मिलकर दीन दुखियों की सेवा करेंगे, इससे गीता की आत्मा को भी शांति मिलेगी। पर छाया, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे और इस आश्रम को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वादा करो मुझसे छाया, वादा करो मुझसे। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, चाहे जितना वक्त लो चाहे, पर इतना याद रखना कि तुम्हें यहां गीता ने बुलाया है, और शायद यही भगवान की इच्छा है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम आराम कर लो। और याद रखना छाया, मैं यहां सुधीर मलिक नहीं, भाई सेवानंद हूं। Thank you.
यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने बच्चे के साथ होना चाहिए था ना। वो गीता जी की तस्वीर। क्या क्या हुआ गीता बहन की तस्वीर को? प्रेमी नहीं, प्रेम खाली है। अच्छा आया बहन, क्या बात कर रही हो? देखो तस्वीर तो वैसे की वैसी है। छाया बहन, लगता है तुम बहुत थक गई हो। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। कल से तुम्हें आश्रम की सारी जिम्मेदारियां भी तो संभालनी है। जाओ जाकर सो जाओ। सेवानंद, आपने मुझे बुलाया? हाँ कमीने। क्या बात है भाई सेवानंद, आप बड़े परेशान लग रहे हो। मेरी परेशानी का सबब आश्रम की वो नई इंचार्ज है, वो औरत। परंतु छाया बहन की अपॉइंटमेंट तो गीता बहन ने स्वयं की थी। गीता जिंदा थी कामिनी, गीता जिंदा थी। मेरी चिंता यही है कि एक अनजान औरत के हाथ में इतने बड़े आश्रम का इंतजाम सौंप देना क्या ठीक रहेगा। याद रहे कामिनी, अगर इस आश्रम को जरा भी नुकसान पहुंचा तो गीता की आत्मा को बहुत दुख होगा। मैंने इस आश्रम का नमक खाया है। जिस तरह से मैंने गीता बहन की उनके अंतिम सांस तक सेवा की थी, उसी तरह से मैं इस आश्रम की भी सेवा करूंगी। मैं छाया बहन का मार्गदर्शन करूंगी, आप चिंता न करें। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। नहीं मैं यहां नहीं रह सकती, मैं अपनी पीड़ा अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाऊंगी। मेरे और सुधीर के संबंध के बारे में लोगों को पता चल गया तो पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा। हो सकता है मेरी वजह से आश्रम बदनाम हो जाए और ये सब देखकर गीता बहन की आत्मा को दुख होगा। मेरा यहां से चले जाना ही ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं उस महान आत्मा को प्रणाम करके आती हूं। गीता जी, मैं आई तो थी इस आश्रम की सेवा करने, मगर मैं ये बात दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती कि मेरा पति ही आपका पति है, क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी रुसवाई का कारण बन जाए। इसलिए मैं आश्रम छोड़ के जा रही हूं। कॉलेज
हाँ, मैं गीता अपनी अशांत आत्मा की शांति ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। ये सच नहीं है। ये सच है छाया, मैं गीता की आत्मा हूँ। लेकिन लेकिन मैंने तो सुना है कि जो कुदरती मौत मरते हैं उनकी आत्माएं नहीं भटकती। नहीं छाया, मैं कुदरती मौत नहीं मरी। मेरी मौत दम घुटने से नहीं हुई, मुझे धीरे धीरे जहर देकर मारा गया। क्या? हाँ। कौन है आपकी मौत का जिम्मेदार? वही जिसकी मैं सुहागिन थी। यानी? यानी सुधीर मलिक उर्फ भाई सेवानंद। उसका यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद था, मेरी दौलत हत्याना। उसने शराफत का ढूंढ करके मुझसे शादी की। दवाई के नाम पर उसने धीरे धीरे मुझे जहर देना शुरू किया और उसकी साजिश से बेखबर एक दिन मैं मौत की नींद सो गई। बस तुम्हें यही बताने के लिए मेरी आत्मा बेचैन थी। वो शादीशुदा था पहले से ही। इस सच्चाई का पता मुझे बस कुछ दिन पहले अपनी मौत के बाद पता चला। यकीन मानो छाया, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हारे साथ ये अन्याय मैं कभी नहीं होने देती। नहीं गीता जी, जो ज्यादती उसने आपके साथ की है वो तो मेरे साथ किए गए सुलूक से भी ज्यादा भयानक है। मेरे को तो उसने एक बच्चा देकर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन लेकिन आपको मारकर उसने एक मसीहा को मार दिया। गीता जी, उस आदमी को इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ छाया, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम इस आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। वो इंसान एक अपराधी है, उसने तुम्हारे बच्चे के साथ अन्याय किया है, उसने मेरे साथ अन्याय किया है। यह आश्रम जो गरीबों के लिए है उनकी मदद के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो एक मुजरिम है छाया, और उसे सजा तुम दोगी। मैं? हाँ छाया, उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि तुम इस आश्रम में आ गई। अगर तुम यहां ना आती तो इस राज पर से पर्दा कभी नहीं हटता और वो यूं ही भाई सेवानंद बनकर यूं ही दुनिया को धोखा देता रहता। छाया, अब ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है, अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए, इस आश्रम के लिए और इस आश्रम में जो दीन दुखियारे हैं उनके लिए। हाँ गीता जी, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। मैं ये आश्रम छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना पड़ेगा छाया, वो इंसान बहुत खतरनाक है। जो एक खून कर सकता है वो दूसरा भी खून कर सकता है। गीता जी, अब मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं। नहीं छाया, तुम्हें अंजाम की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है। अब ये लड़ाई कैसे लड़नी है ये मैं तय करूंगी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, अब आप जैसे बोलेंगी मैं वैसे करूंगी। ओम शांति। यह छाया बहन गीता महिला आश्रम की नई इंचार्ज, और छाया बहन यह हमारे आश्रम की ट्रस्टीज। ये है उमा। नमस्कार। यह आशा बहन। नमस्ते। नमस्ते। मनसुख भाई। और यह नमस्ते जी। बैठिए।
छाया बहन, सबसे पहले इन कागजात पर आप दस्तखत कर दीजिए प्लीज। कागजात पर दस्तखत करके न केवल आप इस आश्रम के इंचार्ज हैं, बल्कि इस आश्रम के बारे में सारे फैसले करने का अधिकार आपको मिल गया। भाई सेवानंद, आप तो जानते होंगे और गीता बहन ने तो आपको बताया ही होगा, जो औरत आज पोस्ट पर आ रही हैं, उनको इस आश्रम की सारी जिम्मेदारी और सारे अधिकार सौंप दिए हैं। हाँ, कहा था गीता ने मुझसे, कहा था। छाया देवी, बड़े आश्चर्य की बात है कि गीता जी ने मरने से पहले हम सबसे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मरने के बाद इस आश्रम की नई इंचार्ज चुन लेना और उसे गीता जी के रूप में ही देखना। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको गीता के रूप में नई इंचार्ज मिल जाएगी। छाया बहन, जो विश्वास आपके लिए गीता बहन के मन में था, उसी की वजह से गीता बहन ने ये अधिकार आपको सौंपा है। एक हिसाब से यूं ही समझ लीजिए, गीता बहन ये आश्रम आपके नाम वसीयत करके गई हैं। अब हम ट्रस्टीज भी इन कागजात पर दस्तखत करके गीता बहन की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हैं। बधाई हो छाया, अब तो पूरा आश्रम ही तुम्हारे हाथ में आ गया है। मेरा और तुम्हारा काम अब और भी आसान हो गया। फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। गीता, अरे छाया, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो लेकिन हुआ क्या? नहीं छाया, वो तुम आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे आपने जागती आंखों से कोई भयानक सपना देखा हो। नहीं, मैं तो यहाँ इसलिए। शायद आप मेरा जवाब सुनने आए हैं। मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया। क्या क्या जवाब है तुम्हारा? बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपकी बात मानकर यही रहूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको मुझे ये लिखकर देना होगा कि गीता की तरह अब आपकी जिंदगी में और कोई औरत नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले भी आपकी बीवी थी, अब भी हूं और आगे भी रहूंगी। क्यों, क्या भरोसा नहीं रहा तुम्हें मुझ पर? एक बार भरोसा टूट चुका है, इसलिए आपको मुझे लिखकर तो देना ही पड़ेगा। छाया, तुम
मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हो। अगर आप चाहें तो सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब तो यह आश्रम मुझे ही चलाना है। छाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? मगर एक बात याद रखना छाया, इस पूरे इलाके में मैं भाई सेवानंद हूं। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं मजबूर लाचार औरत, मैं क्या चालाकी करूंगी आपके साथ? हाँ, लेकिन आप जितनी जल्दी जवाब देंगे उतना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत जल्द जवाब दूंगा, बहुत जल्द। गीता जी, आप? हाँ, तुम्हारे आने से पहले उसने देखा था मुझे, होश उड़ गए थे बेचारे के। यानी कि जो पसीना उसके चेहरे पे था वो आपके खौफ की वजह से था? लेकिन गीता जी, आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आपने आश्रम के सारे अधिकार मुझे दे दिए हैं? हाँ, नहीं बताया था, मगर न जाने क्यों जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम पर विश्वास सा हो गया, और मैंने तभी फैसला कर लिया कि इस आश्रम की इंचार्ज सिर्फ तुम होगी। कुदरत का भी खेल देखो, मुझे क्या पता था कि जिसे मैं इंचार्ज बना रही हूं वो इस आश्रम की असली हकदार है? छाया, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम भाई सेवानंद का होगा, और फिर वो होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं है। देखो छाया, जो कुछ भी करना सावधानी के साथ करना, क्योंकि इस आश्रम में उसके वफादारों की कमी नहीं। हम सिर्फ मुंह देखते रह गए और उसने आते ही सारे आश्रम पर कब्जा कर लिया। उसने क्या किया? ये सब तो मरने से पहले वो गीता करके चली गई। हाँ, तो आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? नहीं कामिनी, कुछ भी पता नहीं था मुझे। ये तो हैरत की बात है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कब गीता ट्रस्टी से मिली, कब कब ये लिखा पढ़ी कर डाली, कुछ पता नहीं चला मुझे। और इसमें सारा कसूर तुम्हारा है कामिनी, सारा दोष तुम्हारा है। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। मिस्टर सुधीर मलिक, तुम्हें इस आश्रम में लाने वाली कौन? मैं। तुम्हें गीता से मिलवाने वाली कौन? मैं। गीता के मन में तुम्हारे लिए विश्वास पैदा करने वाली कौन? मैं। गीता से तुम्हारी शादी करा के इतने बड़े जायदाद का मालिक बनाने वाली कौन? मैं। सुधीर मलिक से भाई सेवानंद बनाने वाली कौन थी? मैं। और गीता के खाने में जहर मिलाने वाली कौन? तुम। लेकिन सिर्फ मैं नहीं, इसमें बराबर के हकदार तुम भी हो। और अगर तुमने मुझे डराने की कोशिश की। ए, मैं जानता हूं नागिन की फितरत, वो डस लेती है, पर मैं भी सपेरा हूं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, तुमने गीता के खाने में जहर मिलाने का जो जो एक्शन किया था ना, वो मैंने वीडियो कैमरे में कैद करके रख लिया है। बहुत चालू आदमी हूं मैं कामिनी,
बहुत चालू आदमी हो। अभी जो आपने खुद की तारीफ में जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना, आपके कारनामे उससे बहुत बड़े हैं। लेकिन मिस्टर मलिक, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, और इसीलिए मैंने तुम्हारा और मेरा कॉन्वर्सेशन टेप कर रखा है। अब तुम अगर सपेरे हो ना, तो मैं भी जहरीली नागिन हूं, इसीलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। कामिनी, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग? कामिनी, ये सब कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हम लोगों के लिए। ऐसे वक्त में तो हमें सर छोड़कर सोचना चाहिए, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग, गलत हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई सेवानंद, अगर हम इस वक्त लड़े तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हाँ हाँ, देखो कामिनी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि छाया जो चीज मुझसे राइटिंग में मांग रही है, उसे लिख के दे दूं या नहीं? जरूर दो, लेकिन किसी और के हाथ में अपनी कमजोर रग देने से पहले उसकी दुखती हुई रग को अपने हाथ में लो। हिसाब बराबर। अरे तुम तो महान आत्मा हो कामिनी, महान आत्मा हो तुम। मगर छाया की वो दुखती रग क्या है? तुरु बहन, तुमने मेरे बेटे को देखा क्या? नहीं तो हमने नहीं देखा। नहीं। तुरु बहन, वो मेरा बेटा है ना रोहित, उसको देखा क्या तुमने? नहीं नहीं, नहीं देखा। मेरे बेटे को देखा? रोहित को देखा? हाँ ना, ना। नहीं ना। अरे बहन, मेरे बेटे को देखा क्या आपने? बहन बहन, रोहित को देखा क्या? नहीं तो वॉचमैन वॉचमैन वॉचमैन, क्या हुआ छाया बहन? रोहित को देखा क्या आपने? कहीं वो गेट के बाहर तो नहीं चला गया? नहीं, गेट पर हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे होते वो आश्रम से बाहर कैसे जा सकता है? आप जाकर देखिए, वो अंदर ही कहीं होगा। क्या कह रही हो छाया, इतना छोटा बच्चा आश्रम छोड़कर कहाँ जा सकता है? मैंने पूरा आश्रम छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसे? नहीं नहीं, आश्रम में इतने सारे लोगों की मौजूदगी में ये नामुमकिन है। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। पुलिस? पुलिस? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस आश्रम में आज तक पुलिस नहीं आई है, और तुम? आज तक इस आश्रम से कोई बच्चा भी तो गायब नहीं हुआ है। तुम कुछ भी कहो, मैं पुलिस में खबर करूंगी। छाया, सोच लो छाया। देखो, अगर बच्चा किसी गलत हाथ में पड़ गया तो पुलिस को खबर करने से उसकी उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आश्रम से किसी ने मेरे बच्चे को अगवा किया है। अगवा? मगर कौन कर सकता है ऐसा? या तो कोई ऐसा शख्स होगा जिसको तुमसे कोई खतरा हो, और जो जानता हो कि बच्चा मां की कमजोरी होता है। इस आश्रम में सिर्फ एक ही आदमी है जिसको मुझसे खतरा हो सकता है। कौन है वो आदमी? वो आदमी हो तुम। मैं? पागल हो गई हो क्या? छाया, एक बाप अपने बच्चे को अगवा कर सकता है क्या? जो इंसान बाप का फर्ज निभाना जानता हो वो अगवा नहीं कर सकता, लेकिन जो बाप होने का नाटक कर रहा हो वो ही काम कर सकता है। अभी बात मेरी समझ में आई कि जो बात मैंने तुमसे लिखकर मांगी थी उस
उसकी वजह से तुमने हरकत की है। तो बात समझ में आ गई तुम्हारे यहां। छाया, तुमने मेरी दुखती रख पर हाथ रखा, मैंने तुम्हारी। भाई सेवानंद, गंदी नाली का कीड़ा भी एहसास के मामले में तुमसे अच्छा है। कम से कम वो गंदी नाली से निकलकर मर तो जाता है, मगर तुम बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुमने यहां आकर मेरे मंसूबों को खाक में मिला दिया। अब जब तक तुम मेरी बात मानोगी, तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहेगा। और अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की, तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह मत समझना कि आश्रम का सारा कारोबार तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम आसानी से मुझे काबू में कर सकती हो। यह गलतफहमी है तुम्हारी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर दूंगी। तुम्हारे बच्चे को तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। मैं हैरान हूं तुम्हारी हरकत पर। किस तरह के इंसान हो तुम? तुमने इस महिला आश्रम में भी अपने गुंडे पाल रखे हैं। गुंडे नहीं है, वो तो सेवक है इस आश्रम के। मेरा बच्चा कहाँ है? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वक्त आने पर। फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना जाओ। गीता जी, इस जंग का पहला निशाना मेरा बच्चा रोहित बना है। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। गीता जी, डरो नहीं छाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। और इस लड़ाई में तुम हारी नहीं हो। ये हमारा पहला मोर्चा है और इसमें दुश्मन की चाल कामयाब नहीं होगी। छाया, तुम अपने बच्चे को नहीं देख सकती। मैं आत्मा हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को देख सकती हूं। तुम्हारा बच्चा एकदम सुरक्षित है। अब हमें ये देखना है कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कौन है आप? आश्रम के नियम के हिसाब से इतनी रात्रि को कोई बाहर नहीं रह सकता। कहिए ना, कौन है आप? गीता? बाहर गीता है। ये कैसे हो सकता है? कामिनी, बाहर गीता है। मैं देख कर रहा था। सुधीर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। है कामिनी, वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर देख रही थी और मेरा पीछा भी किया उसने। कम ऑन सुधीर, तुम जैसे समझदार इंसान से मुझे ये उम्मीद नहीं है। जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं कामिनी, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैंने अपनी
जीती जागती आंखों से देखा है उसे, और पहली बार नहीं, मैंने पहले भी उसे छाया के कमरे में देखा था, लेकिन तब मैंने समझा था कि मेरा वहम होगा, लेकिन नहीं, ये हकीकत है, सच है ये, सच है। कैसे यकीन करो इस बात पर, गीता मर चुकी है और इससे बड़े और कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। कामिनी नहीं, गीता इस आश्रम में मौजूद है, गीता जिंदा है। सुधीर, जिंदा है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? कामिनी मुझ पे बेकार का शक मत करो, और मेरी बात गौर से सुनो। देखो, छाया का आश्रम में इंचार्ज बन के आना इत्तेफाक हो सकता है, मगर हम दोनों के पता चले बगैर गीता का अपनी मौत से कुछ दिन पहले आश्रम के ट्रस्टी से मिलना और सारा चार्ज अपने हाथ में ले लेना, ये शायद गीता को अपनी मौत के बारे में इल्म हो गया, या फिर उसे छाया के बारे में पता चल गया हो, या ये भी हो सकता है कि उसे हमारे बारे में पता चल गया। सुधीर, मुझे डर लगने लगा है। हाँ कामिनी, मामला बहुत संगीन हो गया है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। हाँ गीता जी, नहीं छाया, रो नहीं, मैं देख रही हूं कि मेरा जादू सर चढ़ के बोल रहा है। भाई सेवानंद को ये यकीन हो गया है कि मैं इस आश्रम में मौजूद हूं, और वो बौखला गया है, लेकिन कहीं उसकी बौखलाहट मेरे बच्चे को तो नहीं। नहीं छाया, हर शुरुआत का अंत होता है, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। मुझे लग रहा है कि इस कहानी का अंत होने वाला है, मगर कोई भी अंत इतना सरल नहीं होता, उसमें कई मोड़ आते हैं, खतरनाक मोड़। मैं कुछ समझी नहीं। बस तुम्हें यह समझना है छाया कि यह लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर है, तुम्हें बहुत सावधानी और हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अकेली नहीं हो छाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर मोर्चा तो तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। बस थोड़ा सा इंतजार और। तुम क्या बात है? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, भाई सेवानंद ने बुलाया है। लेकिन मेरा रोहित? वो उन्हीं के पास सुरक्षित है, अब जल्दी चलो, ज्यादा देर करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो। तुम्हें मिल जाएगा छाया, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ, वो सामने देखो टेबल पर, उन कागजात पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए, और वहीं पर एक ब्लैंक चेक भी रखा है, उस पर भी दस्तखत कर देना प्लीज। ये कागज चेक का क्या मतलब हुआ? कागजात यानी
पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम का, और वो ब्लैंक चेक गीता महिला आश्रम का, जिससे मैं जब चाहे जितने चाहे पैसे निकाल सकता हूं। गीता महिला आश्रम की एक नौकर हूं मैं। गीता जी ने मरने से पहले मुझ पे विश्वास करके इस आश्रम के सारे अधिकार मुझे दिए, लेकिन ये अधिकार आश्रम की सेवा के लिए है। ये आश्रम मेरी मिल्कियत नहीं है, तीन दुखियारों की अमानत है ये। नहीं, मैं उन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगी, और ना ही उस चेक पर। अच्छा, दस्तखत नहीं करोगी? जरा अपने पीछे देखना। मेरी इजाजत के बगैर बच्चे के पास जाने की कोशिश मत करो, वरना मेरे ये जो आदमी है ना, बहुत कमजोर है। मेरे इशारे का भी इंतजार नहीं करेंगे, बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक देंगे। बोलो, दस्तखत करोगी या नहीं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा छाया। देखो, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं तीन तक कहूंगा, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो अपने बच्चे को अपने सामने ही तड़प तड़प कर मरता हुआ देख लेना। ऐसे नहीं करोगे तुम। मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा छाया। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ, मेरे रोज को छोड़ दो। प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज मेरे रोज को छोड़ दो। एक सुधीर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? रोज तुम्हारा भी तो बेटा है। मम्मी दो, प्लीज मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। छोड़ दो उसको, प्लीज छोड़ दो उसको, प्लीज छोड़ दीजिए उसको, प्लीज। मम्मी मम्मी, प्लीज मेरे रोज को छोड़ दो। तीन, बच्चे को ले जाओ। मम्मी मम्मी, रोहित 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 रोहित, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, रोहित। छाया, अपने बच्चे को लेकर यहां से जाओ। हाँ जाओ छाया, जाओ। गीता गीता गीता, हमें माफ कर दो गीता। मुझे मार के ऐसी अशांति दी तूने कि मेरी आत्मा आज तक भटक रही है। जब तक मैं तुझसे अपनी मौत का बदला नहीं ले लूंगी ना, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सेवानंद, तू इंसान के रूप में एक लालची भेड़िया है। तेरा ये लालच तुझसे कुछ भी करवा सकता है। मैं शायद तुझे माफ भी कर देती, मगर तू तू तो एक मासूम बच्चे की जान देना चाहता है, और वो भी उसका बाप होके। मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया गीता। जो कुछ मैंने किया ना,
इस औरत के कहने पर किया, इस औरत के। गीता बहन, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। जितना नीच तू है उतनी ही नीच ये औरत है। कामिनी तुझे याद है मैं तुझे कहां से लेकर आई थी? जब एक गाड़ी ने तुझे सड़क पर उड़ा दिया था, मैंने तुझे जिंदगी दी थी और तूने मुझे मौत। तू तो मेरी सौत भी बनना चाहती थी और बन भी जाती अगर छाया ना दी तो। गीता बहन मुझे माफ कर दो मुझे। नहीं नहीं, तुम दोनों का गुनाह माफी के लायक नहीं है। जिस तरह तुम दोनों ने इस बच्चे को नीचे फेंका, उसी तरह मैं भी तुम दोनों को ऊपर से नीचे फेंकूंगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बस यही सजा है तुम दोनों की। गीता, गीता आगे नहीं आना, आगे नहीं आना। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। गीता, 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 माफ कर दो। गीता, मैं माफ कर दूँगा, माफ कर दूँगा। गीता, गीता नहीं, गीता, गीता नहीं, नहीं माफ कर दूँगा गीता, गीता नहीं, नहीं गीता, गीता नहीं।